इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लंबे समय से चल रही कसमकस के बीच प्रबोध व्यास को महापौर का प्रत्याशी बताया गया है। महापौर का चुनाव अब कांग्रेस के प्रत्याशी अजय मिश्रा, बाबा और प्रबोध व्यास के बीच होगा। चलिए आपको संक्षिप्त में प्रबोध व्यास का परिचय बताते हैं। प्रबोध व्यास स्वर्गीय जय गोपाल व्यास के पुत्र हैं, जो वर्तमान में रीवा में उपरहटी किले के पास रहते हैं। बात करें इनकी शिक्षा की, तो उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की है। वहीं 31 अक्टूबर 1971 को जन्मे प्रबोध व्यास पार्टी में अलग अलग दायित्वों की भूमिका निभा चुके हैं। बताया जाता है कि सन 1990 में प्रबोध व्यास ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, जहां पहली बार उन्हें वार्ड नंबर 37 में महामंत्री का दायित्व दिया गया था। इसके बाद वो भाजमो रीवा के नगर उपाध्यक्ष के पद पर बने, जिसके बाद भाजमो रीवा के कोषाध्यक्ष और जिला मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। वहीं नगर कार्य समिति के सदस्य भी रहे। साथ ही रीवा के भाजपा नगर मंडल के नगर मंत्री पद पर सेवा देते हुए इन्होंने लगातार दो कार्यकालों में रीवा में भाजपा के नगर अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने अपनी सेवा दी। इसके साथ ही इन्हें रीवा में भाजपा का जिला महामंत्री का पद भी दिया गया था। वर्तमान में प्रबोध व्यास भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर आसीन है। आपको बता दें कि प्रबोध व्यास विशेष तौर पर अपने दो कार्यकालों में रीवा में नगर पालिका निगम के मनोनीत पार्षद रह चुके हैं। इसके साथ ही जन अभियान परिषद रीवा के जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। वहीं रेलवे उपभोक्ता मंडल रीवा के सदस्य रह चुके हैं। साथ ही रीवा के विधि महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। तो वहीं प्रबोध व्यास ने रीवा लोकसभा निर्वाचन के सह संयोजक के पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं।